नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 3 संयुक्त राष्ट्र संघ और इसके संगठन के MCQ क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी वीडियोज़ मिल सकें। फिर शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किसके उत्तराधिकारी के रूप में हुई? तो ये हुई आपकी ऑप्शन नंबर ए, लीग ऑफ नेशंस। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1945 में। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन हैं? तो ये हैं आपके एंटोनियो गुटेरस। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? ट्राइक, यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्राइक ली। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1944 में। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में 27 सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये संख्या है 5। संयुक्त राष्ट्र संघ के 27 सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये संख्या आपको मिलेगी 10, ऑप्शन नंबर डी। संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी, ये हो गया। सुरक्षा परिषद में कितने देशों को वीटो का अधिकार प्राप्त है? तो यहाँ 5 देशों को अधिकार प्राप्त है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो ये 2 वर्षों के लिए। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1995 में। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो ये एक स्वयंसेवी संगठन भी है। ये यहाँ पे आपका सभी आंसर हो जाएंगे यहाँ पर। ह्यूमन राइट्स वॉच क्या है? तो यहाँ पर भी यही हो जाएगा, ए और बी दोनों। संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी है, ये भी उपयुक्त में सभी हो जाएगा, WHO, यूनिसेफ और यूनेस्को। विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? ये जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड ऑफ टैरिफ। परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग और उन सुरक्षा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी का नाम है? संयुक्त राष्ट्र संघ निरस्त्रीकरण समिति। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुरक्षा परिषद में भारत की स्थिर सदस्यता के प्रस्ताव को ज्यादा वजनदार बनाता है? तो यह है भारत की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत और स्थिर राजनीतिक व्यवस्था। निषेधाधिकार वीटो के संबंध में नीचे कुछ कथन दिए गए, इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, सुरक्षा परिषद के फैसलों से असंतुष्ट होने पर महासचिव वीटो का प्रयोग करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कामकाज के बारे में नीचे कुछ कथन दिए गए, इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सुरक्षा और शांति से जुड़े सभी मसलों का निपटारा सुरक्षा परिषद में होता है। निम्नलिखित को कालानुक्रम अनुसार से व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पहला, थर्ड, फिर सेकंड, फिर फोर्थ, फिर फर्स्ट। यहाँ पे आपके ये ऑप्शन दिए गए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं रोक करके। संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य डैश की स्थापना करना था, तो ये है शांति। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण पद डैश का है, ये महासचिव का। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य और ऑप्शन नंबर सी, 10 स्थायी सदस्य हैं।
संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव डैश के हैं, कौन से देश के हैं? तो ये हैं पुर्तगाल के। मानव अधिकारों की रक्षा में सक्रिय स्वयंसेवी संगठन डैश है, ऑप्शन नंबर ए ह्यूमन राइट्स वॉच। कितने देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके इस संगठन की स्थापना की है? ऑप्शन नंबर ए 51। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? कुल मिलाकर के 15, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। 1991 से आए बदलाव में सोवियत संघ रूस बिखर गया और विश्व का सबसे ताकतवर देश कौन सा है? तो ये है अमेरिका, बिखर गया, उसके बाद अमेरिका ताकतवर सबसे बन गया। विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1945 में। महासभा में कुल कितने सदस्य हैं? 193। सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या सन 1965 में 11 से बढ़कर डैश कर दी गई, ये कर दी गई 15। संयुक्त राष्ट्र संघ के भीतर डैश का खास प्रभाव है, ये प्रभाव है अमेरिका का। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद के डैश सदस्यों की को ही वीर शक्ति प्राप्त है, स्थायी सदस्यों को। संयुक्त राष्ट्र संघ के संघ ने अपने अस्तित्व के 75 साल सन डैश में पूरे किए 2020 में। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ट्रैग ली किस देश के थे? ये नॉर्वे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बुतरस घाली किस देश के थे? ये मिस्र के। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान किस देश के थे? ये घाना। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का कार्य है सदस्य देशों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण की चिंता। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्य कार्य है सदस्य देशों के बीच मौजूद विवादों का निपटारा करना। विश्व स्वास्थ्य संगठन का उद्देश्य है सबके लिए स्वास्थ्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना हुई थी 1948 में। यूनिसेफ की शुरुआत कब हुई थी? ये भी 1946। यूनेस्को अस्तित्व में कब आया? तो ये भी 1946 में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना कब हुई? ये 1919। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? ये सब जानते हैं, 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य थे या है? तो उपरोक्त में ये सभी हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? ये चुने जाते हैं आम सभा द्वारा, आम सभा द्वारा। 2006 तक संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या कुल कितनी थी? 192। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 193। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के क्या कार्य हैं? ये आपके ऑप्शन में दो हो जाएंगे, दोनों ए और बी दोनों। ILO का विस्तृत रूप है, यह है ऑप्शन नंबर ए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। राजनीतिक क्षेत्र का मानव अधिकार है,
यहाँ ए और बी दोनों हो जाएंगे, अभिव्यक्ति की आज़ादी और सभा से मिलने की आज़ादी। नेक्स्ट है, आईएमएफ के सदस्य देश कितने हैं? 184। विकासशील देशों को विश्व व्यापार संगठन से क्या शिकायत है? यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों शिकायतें, संगठन की कार्यविधि पारदर्शी नहीं है और बड़ी आर्थिक ताकतें उन्हें एक तरफ धकेल रही हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकारों की रक्षा में सक्रिय स्वयंसेवी संगठन है, यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच। बदलते परिवेश में संयुक्त राष्ट्र संघ को ज़्यादा प्रासंगिक बनाने वाला सुझाव है, यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों यहाँ पे आपके सही आंसर हो जाएंगे। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता पर भारत की दावेदारी उचित है क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सभी पहलकदमियों में भाग लिया, इसलिए ए और बी दोनों। हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों है? यहाँ सभी हो जाएगा, आप इसको पढ़ सकते हैं, दोनों आंसर यहाँ पे, तीनों आपके आंसर यहाँ मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों होती है? आंसर ए और बी दोनों, आप यहाँ पे इसको जूम करके पढ़ सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य है सभी आने वाली पीढ़ियों को युद्ध से छुटकारा दिलाना, महत्वपूर्ण संबंध और झगड़े की बातचीत से सुलझाना। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं, महासभा भी है, सुरक्षा परिषद भी है और आर्थिक सामाजिक परिषद भी, यानी कि सभी हो जाएगा। अब नेक्स्ट, इंटरनेशनल क्या है? तो यहाँ पर भी इसके आंसर सभी हो जाएगा, ये सारे आंसर हो जाएंगे यहाँ पर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के किन सदस्यों को वीटो का अधिकार है? तो यहाँ पर ये सभी को है, ब्रिटेन भी है, अमेरिका भी है और चीन भी है। वीटो पावर है क्या? वीटो पावर द्वारा सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य में से कोई भी सदस्य किसी फैसले पर रोक लगा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। ये हम कर चुके हैं क्वेश्चन ये वाला। ह्यूमन राइट्स वॉच का उद्देश्य क्या है? सी आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। सुरक्षा परिषद का कार्य क्या है? इसके भी शांति स्थापित करना, खतरा बना उसको विचार करना और शिकायत पर विचार करना उपयुक्त में से सभी आंसर हो जाएंगे यहाँ पर। तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 65+ क्वेश्चन जो आपके आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।